गाइस रोलिंग स्टार्ट रोल टुनाइट एवरीथिंग इज फॉर पंचम दा टुडे इज 75th बर्थडे तो जितना उनके लिए कहा जाए उतना कम है थोड़ा ऊपर ले ले मेरे भाई आवाज बैठी है मेरी और पंचम दा का 75th बर्थडे नितिन भाई बना रहे हैं नितिन भाई एक बहुत ही फैंटास्टिक म्यूजिशियन है बहुत अच्छे जो पंचम दा के साथ बजा चुके हैं पहले पर हमारे पर्सनली माय फादर यूज टू प्ले विद पंचम दा सो एज अ चाइल्ड आई हैव बीन टू पंचम दास रिकॉर्डिंग अलॉट आई हैव अ वेरी स्वीट मेमोरी ऑफ पंचम दा सो इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू बी हियर पंचम दा का कोई गाना है एक्चुअली गुनगुनाऊंगा तो नहीं क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे बट ऐसे कोई गाने नहीं है जो पंचम दा के मुझे पसंद नहीं है आई थिंक ऑल द सॉन्ग्स पंचम दा वॉट एवर ही इज क्रिएटेड फ्रॉम द टाइम ही स्टार्टेड हिज करियर आई थिंक ही वॉज वेरी इनोवेटिव एंड टिल द टाइम ही वॉज अलाइव लास्ट फिल्म 1942 इट वॉज ग्रेट म्यूजिक एंड फैंटास्टिक जर्नी एनी कंपोजर वुड लाइक टू लिव Well, see, I'll tell you one thing. It's very strange because we've been listening to Pancham Da since our, you know, since our growing up days and all. So, invariably, you don't realize ke aap ye kaun sa gaane mein mil raha hai and all this stuff. But I'm sure the kind of compositions we do, we are very much influenced with Pancham Da. And somewhere down the line, he's always going to be there because I think there is only Saat Sur. तो सात सुरों के अंदर कितना आप इंटरेस्टिंग म्यूजिक बना सकते हैं सो एक चीज़ पंचम दा के बारे में मैं कहना चाहूँगा बिकॉज ही वॉज वन गाय हु वॉज वेरी इनोवेटिव एज आई सेड तो वो सात सुरों में तालों के साथ में मिल के द वे ही इज़ टू यू नो अमेलगमेट द सुर विद ताल दैट वॉज अ फैंटास्टिक कॉम्बिनेशन विच ही इज़ टू डू और जो जिस चीज़ के लिए वो माने जाते हैं स्पेशली इन द म्यूजिशंस एंड म्यूजिक डायरेक्टर्स बिकॉज वो एक इसका एक मैथमेटिक्स होता है म्यूज़िक का उसको बखूबी बहुत अच्छे से खेलते थे एंड ही वॉज ग्रेट एट दैट बिसाइड्स कंपोजिंग सिंपल सॉन्ग्स ही वॉज वेरी ग्रेट इन कंपोजिंग डिफिकल्ट सॉन्ग्स इन अ डिफिकल्ट टेम्पो बट येट साउंडिंग वेरी ग्रेट सो आई एम श्योर वी ऑल एज कंपोजर्स वी आर लाइक यू नो वी ग्रोन अप लिसनिंग टू हिज सॉन्ग्स एंड समवेयर डाउन द लाइन वी ऑल आर इन्फ्लुएंस्ड विद हिम फिलहाल तो पंचम दा से ही पूछूंगा अंदर जाके क्या एक्सपेक्टेशन है वो तो चले गए हम लोगों को पता चलेगा अभी बजट के बारे में थैंक यू वेरी मच